गाइस, सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, मैं जा रही हूँ आज स्कूल, फाइनली फाइनली फाइनली। एंड गाइस, आपको कुछ मैं दिखाती हूँ। एक आप शौर्य को जैसे देख सकते हैं, शौर्य बिल्कुल नहीं जाना चाह रहा है स्कूल। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है शौर्य को। झूठ मत बोलो। और ये टी शर्ट कैसे कर रखी है, टी शर्ट ऊपर कर। गाइस, मम्मा बहुत गुस्सा कर रही हैं रियली। मैंने यूनिफॉर्म भी ला के रख दिया बट इसने अब तक नहीं पहनी। और गाइस, सिर्फ आप देख सकते हैं 7 बजे निकलना है और अभी इतना टाइम हो चुका है, मतलब सिर्फ 10 मिनट के अब आउट ही बचे हैं और ये अब तक लेटा पड़ा है। उठ जा यार, मत कर यार, मम्मा डांटेंगी। शौर्य मत कर यार, उठ जा ना। गाइस, सच्ची बता रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि मम्मा गुस्सा करेंगी पक्का, बहुत ज़्यादा। मैं जो भी बोल रही हूँ सच्ची में बोल रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी मम्मा के पास चलते हैं, मम्मा का रिएक्शन देखते हैं शौर्य पर, क्योंकि 10 मिनट बचे हैं सिर्फ। गाइस, तो मैं सुन सकते हैं मम्मा गुस्सा कर रही हैं और शौर्य नहीं मान रहा है बिल्कुल भी। सिर्फ 10 मिनट्स बचे हैं, 10:15 वही। और मम्मा किचन में है और ये लेके लाइट ब्लिंक हो रही है, पता नहीं क्या हो गया लाइट में, आई डोंट नो। बट अब क्या होगा, मम्मा शौर्य नहीं उठ रहा है। डर लग रहा है मुझे। वो कह रही है कि अभी से मैं बताती हूँ आकर। ओ भाई, सच्ची में जब मैंने बताया ना कि 10-15 मिनट बचे हैं सिर्फ, तो मम्मा ऐसा देख रही थी। अरे यार, मैं तो गाइस को बता रही थी 10-15 मिनट बचे हैं, उन्हें कहाँ बता रही, तुमने सुन लिया तो मैं क्या करूँ। गाइस, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। स्कूल तो मैं भी बहुत ज़्यादा हेट करती हूँ, सच्ची बता रही हूँ। मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है, सच में बहुत ही बुरा लगता है। अभी कि ये कह रहा है गाइस कि स्कूल बंक मार देगा। मेरा वाला फोन किधर है? ये पता नहीं कहाँ है बाहर। ये गाइस अभी भी लेटा पड़ा है, बहुत कम टाइम बचा। ये पिटेगा, मैं कह रही थी तू पिटेगा शौर्य। शौर्य बेशरम। अरे कहाँ है फोन, कहाँ है फोन, दे कहाँ है, इसने छुपा रखा होगा। फोन कहाँ है शौर्य, फोन दे, उठ जा शांति से। मेरे पास बेटा, अगर मेरी तबीयत आज खराब हो गई ना तेरी वजह से, तो बहुत ही बुरा हाल करने वाली हूँ मैं, सच्ची बता रही हूँ। मैं मेरे में इतनी मगज पूरी करनी, ये कह रहा है, ये कह रहा है कि मैं ये नहीं जा रहा, मुझे छोड़ के आ जाएगा। नहीं, अरे पता है आज लास्ट डे है उसका, एंट्री कार्ड मिलने का, उसका एग्जाम शुरू हो रहे हैं 22 से। उसको समझ नहीं आ रही है ये वाली चीज। और मम्मा सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, तैयार हो जाओ, तैयार जल्दी, थोड़ी देर लगेगी। गाइस, देखिए कुछ तरह रो रहा है। गाइस, मैं सच्ची बताऊं, ये पिट चुका है। अभी कॉल की थी पापा को, वीडियो कॉल की थी मम्मा ने। वो ठीक है, वो ऑफिस से आए थे और वो सो रहे थे, उनको भी परेशान करना ऐसा सही नहीं है। और ये इतना बेशरम बच्चा है कि उठने का नाम नहीं ले रहा है, सच्ची बता रही हूँ। बहुत ही बदतमीज़ है मेरा भाई। आई नो कि बच्चे हेट स्कूल को पसंद नहीं करते, बट ऐसे बेशरम लोग कहाँ सा गाइस। बट मैं तो रेडी हूँ जाने के लिए, मन तो मेरा भी नहीं जाने का कोई खास ऐसा। आई हेट स्कूल ना, बट क्या करें, जाना पड़ेगा यार, ऐसे थोड़ी चलेगा काम। गाइस, वो रो रहा है अभी पता है वो पिटाया है। अभी मम्मा ने उसको इतने मारे हैं सच्ची में, इतने भी नहीं मारे बट फिर भी जितने मारे जोर से मारे। गाइस, अब 7 बज चुके हैं और ये देखिए अभी भी लेटा ही पड़ा है बदतमीज। शौर्य उठ जा यार, ऐसा मत कर यार, रो रहा है बेचारा। शौर्य उठ जा ना यार, देखना तू चल भी नहीं रहा, अब तू जाएगा नहीं, जाएगा छोड़ने जाएगा मुझे सिर्फ। तू अब यूनिफॉर्म नहीं पहन सकता, तू टाइम नहीं है, टाइम नहीं है इतना, चल उठ जा चल। पागल। हाँ, उठ जा जल्दी जल्दी, आ जा। गाइस, मम्मा ने बोल दिया अभी ये टाइम नहीं बचा है बिल्कुल, ये छोड़ के आएगा मुझे अभी, ये नहीं जाएगा। और मम्मा कह रही है मैं जाऊंगी भी नहीं साथ में, ये लेने भी मुझे खुद आएगा स्कूल और जाएगा भी खुद ही मुझे छोड़ने के लिए। मम्मा गुस्सा हो गई, मम्मा नहीं आएंगी इसके साथ बिल्कुल भी, ना ले जाने में ना वापस लाने में। तो गाइस, अब मैं खाना खाऊंगी उसके बाद जाऊंगी। गाइस, तो मम्मा ने मेरे चंदन का टीका लगा दिया, आपको देख सकते हैं जैसे कि आप दिख रहा होगा। एंड मैं बैग लेके जा रही हूँ बाहर। अब मम्मा बैग तो पकड़ लो, बैग तो पकड़ लो।
अच्छी फीलिंग आती है ना यार, पर स्कूल जाते तो नहीं आती स्कूल जाने वाले गाइस मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ओके राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज अभी दीदी के स्कूल की छुट्टी होने वाली है और हम थोड़ा टाइम पहले आ गए। मम्मा कैसा लग रहा है? वेट कर रहे हैं उसको, जल्दी आ जाएंगे। और ना हम थोड़ा टाइम पहले आ गए इस वजह से आप पता नहीं क्या कर रहे हैं। चलो आपको दिखाते हैं जब दीदी आती है, ठीक है? कितना टाइम लगेगा तुम्हें क्या लगता है? अभी है 7-8 मिनट की समथिंग। दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाए बस जल्दी से फिर बाकी सही है। अभी बच्चे आने स्टार्ट हो चुके हैं और जब दीदी आएगी अब तब आपको हम दिखाएंगे। देख लीजिए दीदी वो आ चुकी है। गाइस आज स्कूल से आते थे भीग गए, मेरी पूरी यूनिफॉर्म भीग गई है। ये गाइस ये देखिए ये भी भीग रहे हैं, अंदर आ जाओ गाइस। आज सच्ची में सब रुकते एकदम, हम आ ही रहे थे, हमें स्कूटी में टायर में हवा भरवानी थी बस, बट अगर रुके, अगर वो काम नहीं होता तो हम आ जाते। अब देखो मैं पूरी भीग गई यार, मेरे मैं पहली बार ऐसे हुआ, मैं स्कूल से भीगती हुई आ रही हूँ। अच्छा नहीं लग रहा। और मेरा बैग, एक मिनट मेरा बैग, गाइस ये देखना शोर है तो भाई भीगा पड़ा है, क्या कर रहे हो, अंदर आ जाओ यार, ठंड लग जाएगी शोर है, यहाँ साइड में लगा दो। मम्मा जी सुनो, मैं अपनी यूनिफॉर्म धुलने में डाल रही हूँ, ठीक है? डाल दो आप, पूरी कहाँ पूरी ये यूनिफॉर्म, हाँ सब में डालो। चलो गाइस मैं अब चेंज करके मिलती हूँ आप लोगों से। बहुत बहुत बुरा हुआ पर सही था, मजा आया। गाइस मैं नहा तो चुकी हूँ, नहा के रेडी भी हो गई हूँ, बट अभी मेरा मैंने बैग चेक किया है तो मेरे प्रोजेक्ट भी गीले हो गए हैं। ये सब बहुत बुरा हुआ, आपको दिखाती हूँ एक मिनट, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एंड गाइस अभी हमारे घर की लाइट भाग गई है सारी, एंड शोर है तो हवा कर रहा है मेरी बुक्स पर। थैंक यू। ओके गाइस तो लाइट दोबारा से आ चुकी है। एंड गाइस अभी भी मैंने अपनी यूनिफॉर्म भी डाली थी धुलने के लिए क्योंकि वो सारी गीली हो चुकी थी, तो मेरी यूनिफॉर्म जो उसकी क्या कहते हैं जीन्स है उसकी पॉकेट में मेरा जो इन्हेलर है वो रह गया था, और मेरी वॉच थी जो मैं स्कूल लेके जाती हूँ वो मेरी पॉकेट में रखी रहती है, वो गीली हो गई, वो उसके साथ ही। लेकिन हाँ वो अब एक वो चल रही है अभी, ठीक है वो अच्छी बात है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा बुरा अपने प्रोजेक्ट के लिए लग रहा है। बहुत मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ना बुक्स के लिए नहीं लग रहा। देखना गाइस कैसा हो गया यार, मैंने आपको एक व्लॉग में भी दिखाया था ये कैसा था, पूरी फाइल दिखाई थी, अंदर से तो कुछ नहीं हुआ बस बाहर से ही हो गया है। हाँ यहाँ पर ऐसे इधर की साइड बहुत ही बुरा लग रहा है। अच्छा हुआ उस पर कुछ नहीं हुआ। वैसे तो गाइस आज मैं सबमिट करने वाली थी अपने सारे के सारे प्रोजेक्ट्स, बट एक चीज़ मैं नहीं लेके गई थी, मुझे पता नहीं था कि वो समर वेकेशन होमवर्क का पार्ट है, और वो नोटबुक पे कुछ करने के लिए दिया गया था, मुझे पता नहीं था कि वो उसका ही पार्ट है, तो मैं सिर्फ प्रोजेक्ट्स लेकर गई थी अपने, कुछ वर्क करने के लिए दिया गया था। मैम ने कहा कि आप जब सब लेकर आना तो कल चेक करा लेना सारा का सारा। कुछ प्रोजेक्ट्स रह गए उसमें से एक ये बेचारा बदकिस्मत। और गाइस जहाँ सारी प्रॉब्लम आई है ना वो एक ही जगह आई है, वो हवा जो भरवानी पड़ी स्कूटी में हमें, पता नहीं इतना इम्पोर्टेंट लग ही रहा था वैसे तो, क्योंकि उसकी हवा बहुत ज़्यादा कम हो रही थी, वहीं पे लेट हो गया, वरना आज ये सब नहीं होता, सच्ची बता रही हूँ। लेट उसी के चक्कर में होता, हमें वहाँ रुकना पड़ा था कम से कम 5-10 मिनट के लिए, और इतने में फिर हम जब जैसे घर के लिए निकले थे 1-2 मिनट में बारिश हो गई, बहुत तेज़, सच में बहुत तेज़ हुई थी, मैं सच बता रही हूँ। अभी बंद हो गई है, बस यही था इसका, दिमाग ख़राब करती रहती है। सो गाइस मम्मा ने तो फिलहाल अभी बाहर ला के रख दिया मेरे सारे के सारे प्रोजेक्ट्स और नोटबुक और बुक्स जो कुछ भी हैं, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए गाइस, क्योंकि अंदर सारे प्रोजेक्ट्स और बुक्स जो कुछ भी रखे हुए थे बेड पर ही थे, वो तो मम्मा ने बाहर ला के रख दिया सब कुछ, तो अब मैं सोने जाऊँगी, उसके बाद मैं उठूँगी फिर वर्क ही करूँगी अपना कम्प्लीट स्कूल का। सो आपसे कुछ देर बाद मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, नहीं गुड नाइट नहीं, मिलते हैं कुछ दिन। सो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और मैं उठ चुकी हूँ सोकर, आप अपनी आँखें देख सकते हैं, सोई हुई सी लग रही होंगी। एंड जो बुक्स मैंने सुखाने के लिए रखी थी वो सूख चुकी हैं आई थिंक, बस उसको ठीक करना पड़ेगा थोड़ा सा, वो तो वापस नहीं आएगा, बाकी ये सब तो सूख गए हैं। सो गाइस जैसा कि मैंने कहा था अब मैं अपना वर्क कंप्लीट करूँगी स्कूल का। सो गाइस अगेन लाइट भाग गई है हमारे घर की, एंड मम्मा भी पूजा कर रही हैं, मुझे बहुत पसीना आ रहा है। मम्मा ने अपना फ़ोन से फ्लैश लाइट ऑन कर रखी है क्योंकि लाइट तो बिल्कुल भी नहीं है।
गाइस मैं लिटरली बताऊँ ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा है इस वक्त, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है। तो लाइट है ही नहीं बिल्कुल भी पूरे घर में, यानी कब आएगी। मैं अच्छा खासा अपना वर्क कंप्लीट कर रही थी, अब उसके लिए भी लेट हो रहा है, और अभी तो मुझे ब्लॉग की एडिटिंग भी करनी है, यानी कैसे करूँगी। ओके गाइस, तो फाइनली लाइट आ चुकी है। 8:30 बजे लाइट भागी थी, 7:15 के आसपास, मतलब 7:15 के आसपास लाइट भागी थी, और अब जाके लाइट आई है। ऑलमोस्ट 1.5 घंटा होने को जा रहा था, एंड अब मैं अपना वर्क शांति से कर सकती हूँ। एंड अभी मेरे पापा भी आ रहे हैं आज, क्योंकि परसों उनका बर्थडे है, वो इसलिए आज ही आ रहे हैं। वैसे तो वो सैटरडे को आते हैं, बट वो आज ट्यूसडे, तो इसलिए आज ही आ रहे हैं, क्योंकि थर्सडे को उनका बर्थडे है, 20 जुलाई। सो गाइस, अभी बज चुके हैं रात के 11, एंड मैंने लास्ट टाइम 8:30 बजे व्लॉग बनाया था, उसके बाद बीच में भी व्लॉग नहीं बनाया था, और मैं तब से कॉन्टिन्यूसली वर्क ही करे जा रही हूँ। मैंने कंप्लीट कर लिया है, अब जाके कंप्लीट हुआ है वो वर्क भी, एक सब्जेक्ट का। एंड उस टाइम पे मैंने कहा था ना मेरे पापा आने वाले हैं, तो शोर उनको लेकर आ गया था, बट मैं दिखा नहीं पाई थी क्योंकि उस टाइम मैं वर्क कर रही थी। सो गाइज, आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, करो जल्दी सब्सक्राइब। सो तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, एंड बाय बाय।